हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा धूमधाम से निकाली जाती है, जिसमें शामिल होने देश दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। इस बार भगवान जगन्नाथ की 146वीं रथ यात्रा निकाली जा रही है, इसे लेकर भक्तों में खासा उत्साह भी है। हिंदू धर्म में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का विशेष महत्व है। बता दें, इस साल उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा 20 जून को निकाली जाएगी और इसका समापन 1 जुलाई को होगा। इस भव्य आयोजन के साक्षी आज लाखों लोग बनेंगे। मान्यता है कि जो भी मनुष्य एक बार भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी को हाथ लगा देता है, वो भव सागर से तर जाता है। रथ यात्रा को लेकर पुरी के अलावा रांची, अहमदाबाद, राजकोट, हर जगह यात्रा को लेकर भक्तों में खुशी की लहर है। ऐसे में हम आपको जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी कुछ अनोखी और खास बातों के बारे में बताएंगे। भगवान जगन्नाथ के रथ में 16 पहिए होते हैं। इसे आम तौर पर 45 फीट ऊंचा रखा जाता है। रथ को बनाने के लिए नीम की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। उस लकड़ी का बकायदा जंगल में जाकर मंत्रोच्चारण के साथ पूजन होता है, फिर सोने की कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटा जाता है। बता दें कि रथ यात्रा के लिए 3 नए रथ बनाए जाते हैं। एक रथ भगवान जगन्नाथ, दूसरा रथ बहन सुभद्रा और तीसरा रथ भाई बलभद्र के लिए। तीनों रथों को बनाने के लिए कुल 884 पेड़ों की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। खास बात यह है कि इन रथों को बनाने में कील या अन्य धातुओं का प्रयोग नहीं होता। रथों को तैयार करने के बाद रास्तों की सफाई की जाती है और यात्रा से पहले तीनों रथों की पूजा की जाती है। बता दें कि रास्ते की सफाई सोने की झाड़ू से की जाती है। रथ यात्रा से एक पखवाड़ा पहले भगवान जगन्नाथ को बकायदा शाही स्नान कराया जाता है। इस शाही स्नान के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं। उन्हें विशेष कक्ष में रखकर विश्राम के लिए रखा जाता है। उनकी सेवा का ख्याल रखा जाता है, लेकिन खास बात यह है कि ना तो मंदिर के पुजारी और ना ही वैद्य उनके पास जाते हैं। और फिर 2 हफ्तों के बाद भगवान स्वस्थ होकर बाहर आते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। तो ये थी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़ी कुछ अनोखी बातें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए फॉलो करते रहिए हमारा चैनल।